बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी द्वारा उनके लिए गेट बंद किए जाने के बयान पर पलटवार किया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनसे वैसे भी कौन परमिशन मांग रहा है, वे अभी जहां हैं वहां साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष चाहे जितना अटैक करे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने मोतिहारी में दो दिन पहले दिए गए बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी से दोस्ती की कोई बात नहीं की, उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। अब क्या बात करते हैं, हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया, सब याद रखिए, इसके अलावे और कुछ नहीं। हम कहे के लिए कहीं किसी को कह रहे हैं, हम आपके साथ उसका भी बयान देते हैं, नहीं हम लोग अलाउड नहीं करेंगे। अरे पूरा मांग रहा है परमिशन जाने का, देख लीजिए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर भी तंज कसा। नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाने से उन्हें तकलीफ हुई थी। आप सुशील मोदी जी तो पहले क्या थे, आप जरा बताइए, आप भूल गए सुशील मोदी जी का, आप लोगों तो पहले ना बता दिए हैं, वो कब थे यहाँ बोलिए। इसके पिताजी वो बने यहाँ के पटना यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, अब उनको बना दिया आप जनरल सेक्रेटरी। आप कौन थे, हम कहाँ थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, उसका 500 वोट, हम इन सब लोगों को जो वोट किए, हमारे यहाँ से भी कोई कैंडिडेट था, 500 में 450 इन्हीं लोगों को दिलवाए हम लोग, और उसी में सब जीत करके आए। तो सब पुरनका चीजवा, आज जब तक साथ में थे ठीक है काम कर रहे थे, तो आजकल बेचारा को तो हटा दिया, हमको तो तकलीफे हुआ कि डिप्टी सीएम नहीं बना रहा था। इससे पहले बीजेपी के नेता सुशील मोदी समेत अन्य नेताओं ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। बीजेपी को कोई भ्रम नहीं है, हमको नीतीश कुमार की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब नीतीश कुमार में बचा क्या है, उनके पास कोई वोट तो बचा नहीं कि वो वोट हमको दिलवा सके। और देखिए, गठबंधन होता है जिसमें ताकत होती है, तो जब नीतीश कुमार के पास कोई वोट नहीं बचा और पिछले विधानसभा चुनाव में 44 सीटों पर सिमट गए, तो उनके साथ हम क्यों समझौता करेंगे। समझौता तो ताकतवर से किया जाता है। बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ, 2 में बुरी तरह से हार गए और 1 बाई इलेक्शन में बीजेपी को 60,000 वोट मिले। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी नहीं दी गई तो वो भाजपा में भी जा सकते हैं, लेकिन भाजपा को कोई भ्रम नहीं है और हमें नीतीश कुमार की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब नीतीश कुमार में बचा क्या है, उनके पास कोई वोट तो बचा नहीं।